पढ़ी लिखी है आप? कितना पढ़ी लिखी है? ज्यादा नहीं, एट क्लास में। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, मैं हमेशा बुनकरों को एक ही बार बोलता हूँ कि आप एक ही काम करो, लूम चलाओ, और हमारा आपका एक मेरा डिमांड है, एक काम करो आप, मैं हमसे आप 100 डिमांड पूरा कर लो। और आज हम समझ रहे हैं कि आज ये नावाटोली प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति जब आए हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं, हमारा जो सपना था वो धीरे धीरे आगे चल रहा है। सोसाइटी में देखा जा रहा है कि महिलाएं भी, हाँ महिलाएं भी बहुत रोजगार एकदम रोजगार से ये जोड़ा गया है। और हम समझते हैं कि बहुत सारे बहुत तादाद में महिलाएं जो है ना इसमें शामिल हुई हैं, और आने वाले दिनों में ये अच्छा ही रहेगा, इसका परिणाम अच्छा होगा। देखिए, सहकारिता विभाग और इंडस्ट्री जो उद्योग विभाग है वहाँ से हमारे बुनकरों को जो अनुदान की राशि मिलता था वो 2013 तक तो मिला है, 2013 के बाद सारा का सारा बंद है, बल्कि 2013 भी नहीं, 2012 ही तक मिला था, और उसके बाद सारा कोई अनुदान नहीं मिलता है। जबकि ये होना चाहिए, बुनकरों का अनुदान, हिस्सा पूंजी, कार्यशील पूंजी ये देना चाहिए हर एक साल, प्रत्येक वर्ष जो है ना बजट से पहले ये होना चाहिए था, लेकिन ये हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अभी होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए फिर प्रयास किए हैं कि अभी बजट में, जो आने वाला बजट में हम लोग जो है ना बुनकरों के लिए एक अलग से पैकेज का प्रावधान करेंगे, कराने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, हमारे यहाँ इस्लामपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड है, मैं उनका वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, और हमारे समिति में कुल 102 सदस्य हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष मिला करके हैं, और दोनों मिलजुल करके काम को करते हैं। हमारे समिति में खास करके गमछा हुआ, तवेल हुआ, लुंगी हुआ, साड़ी हुआ, बेडशीट हुआ, और भी अनेक तरह की जो भी हमको मिलता है उसको हम तैयार करके रीजनल हैंडलूम में देते हैं। 70-100 का बेडशीट बनाते हैं और 90-108 का बनाने की तैयारी चल रही है। चेयरमैन साहब वादा किए हैं कि हम लूम देंगे और लूम प्राप्ति के बाद हम वो काम भी करेंगे, और हम इनसे बात हुई है कि सरकार से जो राशि हमें मिलनी चाहिए वो इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब प्रयत्नशील हैं। हम उम्मीद आशा करते हैं कि 2022-23 में कुछ मिलेगा जिससे कि हमारा समिति को एक अच्छा खासा काम करने का मौका मिलेगा। हैंडलूम आपका डिमांड और कहीं बाहर में? और भी ऐसी केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उन तमाम योजनाओं को हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर में आए। मान के चलिए कि हमारे यहाँ विभस काम करते हैं, वे 59-60 ईयर में उनके अगर इंतकाल डेथ हो जाता है तो उनको इंतकाल के बाद उनको कुछ राशि सरकार की तरफ से है, वे भी हमें मिलनी चाहिए। पूर्व में मिलता था, बीच में कुछ साल दो साल के अंतराल में कुछ सिस्टम में चेंजिंग हुआ है जो अब तक वो हमारे बीच नहीं आया है। हम चाहेंगे कि वो भी हमारे बीच आवे और वो आगे की ओर जैसे पूर्व मिलता था वो मिलता रहे। और इसमें हम यही कहेंगे कि हम लोगों को धागा दिया जाए, धागा मिलेगा तो इधर तो लॉकडाउन में हम लोग का बुनकर बहुत बहुत ही, मतलब समझिए कि हम लोग का काम ही हो गया, बहुत बहुत बुनकर जो है ना मर भी गया, लेकिन हम नया सिरे से लॉकडाउन के बाद ये चालू हुआ है हमारे महिलाएँ और हमारे खास करके ये रीजनल हैंडलूम के चेयरमैन अनवर अहमद अंसारी साहब का बहुत ही योगदान रहा कि हम चालू कर लिए है कि नहीं। और इसमें धागा चाहिए और सरकार से वही जो सहायता हम लोग का वित्त सहायता जो मिलता है अनुदान राशि वो हम लोग को दिया जाए।